नमस्कार दोस्तों, SBI की तरफ से बहुत बड़ा खबर आ रहा निकल के जो कि SBI के ग्राहक हो जाएं सावधान, 1 जनवरी 2019 से एक कार्ड नहीं करेगा काम। दोस्तों इससे पहले कि अभी तक आपने चैनल जिसका नाम है cardquiz.com सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको मेरा लेटेस्ट वीडियो मिलता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, क्या है खबर SBI की तरफ से, क्या निकल के आ रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र में देश के सबसे बड़े बैंक SBI के ग्राहक पुराने डेबिट कार्ड से रुपये नहीं निकाल पाएंगे। बैंक अपने ग्राहकों से कह रहा है कि अगर वे अभी तक पुराने मैग्नेटिक कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे 31 दिसंबर 2018 से पहले बदल लें, क्योंकि 1 जनवरी 2018 से इस कार्ड से किसी तरह का ट्रांजेक्शन नहीं किया जा सकता है। इसके बदले बैंक नया चिप वाला EVM कार्ड दे रहा है, इसलिए जिनके पास पुराने मैग्नेटिक कार्ड है वे 2 हफ्ते के भीतर अपना कार्ड बदल लें। ATM मशीन 1 जनवरी से ऐसे कार्ड का एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसकी जानकारी बैंक ने अगस्त महीने में ही ट्वीट करके कर दिया था। नए कार्ड के लिए ग्राहक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिन ग्राहकों को ऑनलाइन दिक्कत का सामना करना पड़ा हुए ब्रांच में जाकर के आवेदन कर सकते हैं। मैग्नेटिक कार्ड को फरवरी 2017 में ही बंद कर दिया गया था। 31 दिसंबर 2018 से इस पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। पहले वाली कार्ड में काली पट्टी लगी होती है, इसे मैग्नेटिक स्ट्रिप कहा जाता है। कस्टमर की पूरी जानकारी इसमें होती है। RBI का मानना है कि यह टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है, इसलिए यह बहुत ज्यादा सुरक्षित नहीं है। नए EMV कार्ड ज्यादा सुरक्षित है। इस कार्ड में एक चिप लगी होती है जिसमें ग्राहक के बारे में पूरी जानकारी होती है। सारी जानकारी इनक्रिप्टो में होती है जिसकी वजह से डेटा का चोरी करना मुश्किल है। इस कार्ड की क्लोनिंग नहीं की जा सकती है। पुराने क्लासिक और मेस्ट्रा कार्ड मैग्नेटिक कार्ड है, इसमें चिप नहीं लगे हुए, इसलिए यह कार्ड बंद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आपके पास भी इस तरह का कार्ड है तो आप प्लीज अप्लाई कर दिए नए कार्ड के लिए, क्योंकि 1 जनवरी के बाद इस तरह का कार्ड नहीं मिल पैसे नहीं मिल पाएगा और आपको परेशानी होगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट न्यूज के साथ।